जी मेरा नाम सुषमा है ते आज मेरी बुक रिलीज़ होने जा रही है। बुक का टाइटल है गुंजल प्लेस। ये मेरी दसवीं किताब है ते कविताएं की किताब है। ये टोटल जड़ियाँ ना बख विषय पर लिखी गई कुंजा कविता ने कुछ प्री वर्सन कुछ छंदो वर्सन ते के मैसेज किताब मैसेज किताब च मतलब एक मैसेज पूरी जियां अगर तुस कविता संग्रह की गल करो कि उपन्यास ते है नहीं है कि एक चाली का मैसेज होवे। ये कविता संग्रह इहदे च हर कविता का अपना रंग है। बख बख चाली दे मैसेज देने की मैं कोई जबरदस्ती कोशिश तो नहीं की थी है पर अपने आप जिहड़े विचार आते एक मतलब कवि के मन च जिहड़ा विचार आता वो उसी अपने तरीके कन्नै कलमबद्ध करता है तो उस विचार च मैसेज तो कोई ना कोई होंदा गा है। तो किस कविता च केड़ा मैसेज है ये जिसलै पढ़ंगन जिहड़े पाठक साढ़े न तो वो अपने आप पता लग गया। डुगर मंच मादा मादा मलाड़ करता है गुंजल पलेस जी। ये वो सुषमा रानी हुंदी कवितें की किताब है जिसका विमोचन तुंदे सत्ते होने लगा है। कार्यक्रम आरंभ करने कोला पहले मैं तुंदे कन्नै किश खास परिचय करवाना चाहन जेड़े अज दे कार्यक्रम ते इस मंच की शोभा बधाउण। सारे कोला पहले मैं सादा दीन साहित्य अकैडमी के कन्वीनर ते इस कार्यक्रम की प्रधानता करा दे सुप्रसिद्ध लेखक ते शायर श्री दर्शनदर्शी होरेंगे जो मेहरबान करिए मंच पर आउन करना था ग्रैंड श्री दर्शनदर्शी सर। इंदे बाद मैं खेचल देना चाहूँ इस कार्यक्रम के मुख्य परौने ते मन्ने परमन्ने दे साहित्यकार डॉक्टर ओम गोस्वामी होरेंगे जो कृपा करिए मंच पर आउन ते अपना थार ग्रैंड करन। इंदे बाद मैं सादा दें इस कार्यक्रम के चेचे परौने भारतीय जनता पार्टी के सबका राज्यसभा मैंबर ते सीनियर लीडर श्री शमशेर सिंह मनास होरें गी जो भी मंच पर आउन ते अपना थार ग्रहण करन। इंदे कन्ने गै मैं बड़े आदर कन्नै सादा दें इस कार्यक्रम के दुए चेचे परौने ते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दिया मैंबर डॉक्टर नीलम सरीन होरें गी जो मंच पर आउन ते भी अपना थार ग्रहण करन। इंदे कन्ने गै मैं सादा दें डुगर के मशहूर नाटककार कवि ते कन्ने गै डुगर मंच के प्रधान श्री मोहन सिंह होरें गी जो मंच पर आउन ते अपना थार ग्रहण करन। सादा दीन दी बड़ी खुशी बुझवा रही है कि जे जिन्हें मैं हुण मंच उपर सदन लगा उन गुंजल पलेस कविता संग्रह दियां लेखकां डॉक्टर सुषमा रानी और कृपा करिए तुस भी मंच पर आओ ते अपना थार ग्रहण करो। ऐसी शख्सियत का स्वागत करना चाहना जिहड़े साढ़े जिहड़े कश्मीरी उर्दू के बड़े नामवर साहित्यकार ने और साढ़े साथ पर इतने आए दिन अजुरदा साहब प्रोफेसर अजुरदा वो साढ़े तकरीबन हर प्रोग्राम च आते जो इतने होते साढ़े एक बड़ी गल है तो सारे इतने आए दे। मैं डॉक्टर गोस्वामी साहब का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि बड़े मसरूफ रहते हैं बड़ा अपने काम से व्यस्त रहते हैं बड़ा घट जाते हैं अगर विषय पर साढ़े साथ पर अज इतने आए इन्हें अज के इतने मुख परौने बनना कबूल किया। मैं इंदा भी स्वागत करना दर्शनदर्शी साहब तो साढ़े हर प्रोग्राम च होंदे गए पर ये अज के इस प्रोग्राम के चेचे अपना टूर जिहड़ा उसी शॉर्टकट करिए हिमाचल च निकले दे कोई हिमाचल दर्शन आस्तै मते दिनें दे निकले दे कल गए राती पुज्जे और सिर्फ इस प्रोग्राम आस्तै कि नहीं तो होई सकदा ध्याड़ी कोई होर भी रहिंदे इस अस इंदा बड़ा स्वागत करने इस प्रोग्राम के नीलम और भी अपने थार व्यस्त होंगे काफ़ी कम करा कर और अच्कल वैसे भी मसरूफ ने क्योंकि श्राइन बोर्ड दिया मैंबर ने किताबा खरीदी है जो जितने कुछ चार लोग बहुत उतें रोह करे साड़ी किताबा खरीदा कोई नहीं ढेर लगी है शनक खाई लेखक का काम छड़ा यह नहीं है लेखक का काम होर भी है और उस लेख उस काम की असर सारे समझना पौ सारे रलिए समझना पौ। मैं एक बार फिर तुम्हारा सपने का बड़ा निघा स्वागत करना तुस इतने आए अज के इस प्रोग्राम के इसका तुसें सुषमा को कविता भी सुननी बाकी साढ़े जोड़े प्रजीडियम च बैठे लोग ने इंदी गल भी सुननी है आर्टिकल भी सुनना है और बाद मी लगता कि थोड़ा कोई और भी कोई चाह पानी का प्रोग्राम भी होना है। मैं सारी गलें तुम्हारा स्वागत करना जैडुगर जैडुगर मेरी शहत मेरी मात तू मेरा अंगर प्रेम च बांबरी हो जीवन मौत आ शान जिंद जान सुर संगीत च वो बस उस दे दीदार करती है।
डॉक्टर सुषमा हुंदी भाव भरोची शब्द के नाप तोलें तलोई जलोई की एक खूबसूरत रचना है। सदियों शा लेइए नारी जात कन्नै जुल्म हुंदा आया है, धियां भैणां जुल्म सहिंदियां आईयां, बाल बरेसा च ब्याह, विधवा होने परंत खसमे कन्नै फकोई जाना जां फुकी देना, फिर एक दौर ऐसा भी हा कि धी की जन्म लैंदे गै मारने दबने का प्रचलन रहा। सरकार जां किसी होर संस्था ने बुद्धिमान वर्ग की कोशिशें कन्नै यह प्रथा भी बंद हुई, सैंसी युग आया तो धीएं की जन्म लैने शा पहले गै मारी दिता जान लगा। इस कुरीति चड़ेला की मती हद तक बंद कराने लेखकें कवियों के कानी राय चलाए गए अंदोलन का खासा योगदान रहा। अज भी कई थारें धीएं ने दरवेज होंदा आवा दा है। डॉक्टर सुषमा हुंदी धीआं नां दी कविता च इस चिंता की व्यक्त किए है ते समाज की ऐसा नहीं करने तांई सचेत भी किए दा और बच्चे की कहानी बच्चे की भी किताब एक दो ने छापी दी है। पर अज इतने सारे बैठे थे बुद्धिजीवी और साहित्यकार इन्हें भी सारे ही मेरा सादर प्रणाम है कन्ने। और मैं समझनी कि अज महिलाएं का दिन है अज, क्योंकि डोगरी के साहित्यकार कवियों महिलाएं की बढ़ोतरी होआ दी है और ये बड़ी अच्छी गल है साढ़े वास्ते कि महिलाएं भी अपने आप की सराहने योग काम करा दी हैं। तो वो मेरे ख्याल मोहन सिंह होर आखिर तो मेरे ख्याल अगर महिलाएं इस योगदान दे रही हैं तो मेरे ख्याल से निराश होने की जरूरत नहीं है। डोगरी भाषा हम जरूर अपनी बढ़ोतरी पर जाग, क्योंकि महिलाएं ऐसे एक जड़ियाँ की काम करा दी जड़ियाँ की आप आखिरी कि वह घर का काम घर भी दिखदियाँ जॉब भी करा दी नौकरी भी करा दी और उसके बावजूद भी वो लिखा दी वो उनसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि चाहे वह साल के बाद किताब कढ़न पर किताब जी क्योंकि महिला जी सुभाव थमां गै थोड़ियां संवेदनशील होंदियां ने थोड़ियां कोमल होंदियां ने उंदी कविताएं च उंदे लेखन च वह चीज़ आई गै जांदी है। लैक्चर बनने के बाद जिस प्रकार और मोहन सिंह जी तीन आखा करते हैं कि वह उनके प्रेरणादायक न, मैं एक चीज जरूर आख जिस प्रकार समय बदले दा लेकिन साढ़ा जम्मू एक अलग प्रकार का बदला करता और खासकर जम्मू टाउन च जम्मू सिटी च मैं काफ़ी जगह जाने का मौका मिलता। डोगरी तो मिलती गई नहीं है कि प्योर डोगरी शुद्ध डोगरी जन के सू लभी सके, ये तो मिश्रण होए दा अंग्रेजी का पंजाबी का और कुछ होर भाषा का भी और इन्नी इन्ना ज़्यादा मिश्रण है कि अस डोगरी बिचा कढ़ने की कोशिश करते तो मुश्किल कहना 20% कोला ज़्यादा डोगरी ने सानू लगती। कोई संस्था वाले और नहीं बोला कोई भी पार्टी वाले अगे नहीं आ रहे अज दिन की तरह डोगरी भाषा की देखो कारण यह है कि दो तीन चीज़ें तुसें सामने रखने की कोशिश की। सारे कोला पहले एक चीज़ है कि डोगरी का अनादर जोड़ा हुआ करता, मैं अनादर नहीं आखन इसी आखन लुप्त होआ करता खत्म होआ करता क्योंकि समाज एक बड़ी बड़ी कुरीति आ चुकी दी है एक दोष है और दोष के है कि खासकर अपने बच्चे की केवल मात्र कंपीटिशन तक ध्यान दिता जाए कि अपने कंपीटिशन एग्जाम से जानकारी बैठी है बच्चा पढ़ जाए क्या इंग्लिश सीखा तो इंग्लिश माध्यम कहना अगर पढ़ पढ़ने के बाद वो कंपीटिशन से बैठे मेडिकल इंजीनियरिंग सीटा पर केवल अपने जीवन जापन अपने पर्यजन के तक सीमित है समाज तक सीमित नहीं है। ये बड़ी बड़ी कुरीति है बड़ा बड़ा दोष है। मैं सोचा समाज की चाहिए कि जिस जगह रोंदा हुआ है इस वास्ते नहीं है कि सियासी लोग और साहित्यकार है मिलिए समाज से जाना चाहेगा और समाज के उपर की अपनी चेतना उजागर करनी चाहिए। मैं इसे साढ़े बच्चे एक सियासी शख्सियत ने और सारी अहोभाग्य ने तुम पा दी कि ऐसे कार्यक्रम की सियासी शख्सियत है। मैं उनके अगे एक अनुरोध करना चाहना विशेष तौर पर जड़िया भी गल्ला उन्हें दीतिया वो सारा चिंतन साहित्यकारें होंदा रहा है वो सारी पीड़ा साहित्यकार भोगते हैं। इतने साढ़े सामने दूरदर्शन और स्टेज कन्नै जुड़े दी भी बैठ दिन मानूगा बैठे हैं वो सड़कों पर भी धरने दे चुके हैं। ऐसी गल नहीं है कि साहित्यकार थिएटर के लोग टीवी कन्नै दूरदर्शन ने जुड़े लोग भाषा ने जुड़े लोग अपने चीज़ें की हासिल करने चीख पुकार नहीं करते वो करते हैं मगर उस चीख पुकार चामल होती इस करिए सुनोज की घट है। मेरा अनुरोध है कि वो समाज सियासत साहित्यकार प्रबंधक प्रबंधन ये सब जुड़ी है उसले जिसले काम करेंगे तो मेरा यकीन है कि डोगरी पर या कुसे भी खेतरी भाषा पर जड़े मन लांदे के खतरे में वो अगर मुकमन नहीं तो यकीन घट हो। मित्रों गुंजल प्लेस के बारे च गल करते करते मैं ये जरूर गल करगा कि इडियोमेटिक भाषा जिनी हो जी उन्नी गई साहित्य तौर पर उठी होंगी अगर अंग्रेजी है अंग्रेजी अपनी इडियम से कारण सुनना है पढ़ो तो बता रहा होगी तो क्या बात है। एंड जी
पर जल्दी डोगरी है वह इन्नी इडियोमैटिक है इन्ने ज्यादा इडियम्स न मुहावरे कहावत कि तुम दस नहीं लाई लेकिन तुम पता नहीं बरता करते मैं केशव का अभ्यास पढ़िया तो मैं फुल ऑफ इडियम्स एंड दिस ब्रदर्स डॉक्टर बोलते शायद ही कहना जब उम्र भाषा हो लगता कि यार बिल्कुल शायद ये सच डोगरी साढ़े के एक 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 बनारस का एक बिल्कुल खड़ोता खड़ंबा वो है ओम प्रकाश शर्मा ओम प्रकाश शर्मा कहते हैं ओम प्रकाश विद्यार्थी नहीं ओम प्रकाश शर्मा है रामनगर जी ने जिन्हें लिखा उपन्यास ना है उपन्यास का पूर्व बिना डाली उनका साहित्यक ना है बख्शी बख्शी उनका ना ओम प्रकाश शर्मा वो पंजाब की अखबार निकलिया उस जमाने जब मैं छोटा हाँ वीर प्रताप वीर मिलाप हिंदी और मिलाप के प्रताप उर्दू में इनके जो उपन्यास आते हैं आर्मी के रिलीजियस टीचर हैं ओम प्रकाश शर्मा और उत्थे वो भी उपन्यास लिखते हैं वो बारे से सीरियलाइज होते हैं हर संडे ही आता पर कलर छपे का फिर उनका डूबी उपन्यास आया सत्तर फूल बिना डाली फूल बिना डाली आई सारी टोप ली है जी जी क्या बात है इन भाषा इचित्रण इन कथानक कुछ कुछ ने लिखा ही कहते वो उपन्यास अज भी उसी पाठक नहीं कोई पाया मैं बिल्कुल सच्चे तरीके कहना ईमानदार तरीके कहना हालांकि मैं भी बड़े दस बारह उपन्यास नहीं लिखे लेकिन अभी अपने अस जो सोच रहे हैं कि सारे सामने टारगेट क्या कुछ करना है अस नहीं यार फुल बना के बराबर पूछना है इतना शानदार है असें भाषा का एक प्रतिमान सामने रखना चाहिए कि अस तो नहीं सकते कि उन्हें भी सेक्टर चोरी करके ले जाए चोरी किए सारे पेटर एक गल परसों पता लगा करता इस स्थिति च डोगरी का डोगरी का केह होना ये दोस्तों तुसें सोचना है डोगरी के मन्ने परमन्ने बड़े बड़े लीडर सोचना है शायद कदम सोच तो ये कन्ने गए मैं धन्यवाद दिना इतने जेडे आए न बड़े बड़े लोग मान लो मनाह साहब बड़े प्यारे लीडर डोगरी के डोगरी के डोगरे के प्रोफेसर गोस्वामी साहब इन्हें लोग मते लोगों हथ पकड़िया मूवमेंट लिया और अच्छ मते सारे लोग दिग्गज बन रहे हैं वो क्रेडिट गोस्वामी साहब की जनता है आदर योग दर्शन दर्शी और जो सबका कन्वीनर अजय भी हैं काम इो चला करते ज्यादा बकायदा नौसना नहीं होगी बहुत अच्छा काम किया ने पांच साल इन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कोरोना पीरियड से भी पूरे हिंदुस्तान च जिन्हें भी भाषा के प्रोग्राम हुए डोगरी सारे फरिस्त हैं कोई भी नैट चीज दिखी सारे डोगरी के किन्ने ऑनलाइन किन्ने प्रोग्राम हुए ना डोगरी की पहली दफा जम्मू थमां ग्रां ग्रां च साहित्य अकैडमी के लेने वाले इो शख्स असें भी माण है इस संदेश शख्सियत पर और असें करना भी चाहिए नहीं दिल मोर थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया निर्भर साढ़े मतलब असि माण है उपर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आदि मैंबर न सुषमा इतने सारे जो बैठे दे बड़े बड़े लोग बड़े बड़े राइटर्स इंटलैक्चुअल स्टेज परसनैलिटीज टेक्नोक्रेट्स बैठे दे थिएटर के लोग बैठे दे यूनिवर्सिटीज के लोग बैठे दे मैं सारे का डुगर मंच पासिया डुगर मंच की पूरी टीम पासिया तुम सारे का धन्यवाद करना सारे का ना लेंगे समझी लो मैं सारे का ना लै करना जय डुगर जय तारी भी आ रही हो।